नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां नाथनगर के चंपानगर स्थित मखदूम सा दरगाह घाट पर बम विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई। वही घटनास्थल से दो जिंदा बम बरामद हुआ है। मृतक की पहचान अमृत दास के रूप में की गई है। वह मखदूम सा दरगाह घाट चंपानगर का रहने वाला बताया जा रहा है। घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। बम विस्फोट के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र मखदूम सा दरगाह घाट पर सुबह से बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान नया टिफिन देखकर एक बच्चे ने उसे उठा लिया। वह टिफिन उठाते ही जोरदार धमाके के साथ बम ब्लास्ट हो गया। बम ब्लास्ट में बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि 5 दिन के अंदर नाथनगर क्षेत्र में बम विस्फोट की यह तीसरी घटना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाथनगर थाना में मखदूम सा दरगाह घाट में 11:10 में 3 जिंदा कारतूस या बम रखा हुआ था, जो बच्चे लोग खेल रहे थे यहाँ पे। वो खेलने के दरमियान गलती से बम को छू लिया, मतलब वो टिफिन को छू लिया, टिफिन में बम था। का बच्चा था, कितना साल का? 7 साल, 7 ईयर। क्या नाम है? अच्छा, नाम बच्चा अमृत कुमार, बच्चा का नाम अमृत। क्या हुआ अभी? बच्चा कहाँ ले गए उसको? बच्चा को मतलब गांव के लोग जो है मतलब मायागंज ले गए, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? और कितना बम यहाँ पे है अभी? यहाँ पे दो जिंदा बम और है। तीन जिंदा बम और। आपका परिचय? मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ, सुनीता हस्बैंड। जरा बता दो, हमारा कोई पति है नहीं, से तुम्हें की बताइए? हमारे घर में नहीं चले था, हमारे घर में छेवेन कल हमें बाजार गए। तो कैसे पता चल लगी घटना वाले आदमी है यहाँ पर? हमें सब भी लाने गए, छोटे का फोटो है उसका, आवाज से वही फोटो दी जो देख लें वही देखो। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड समेत जिला में खाद दुकान होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा, जिससे किसान आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गए हैं और पटना अरेराज मुख्य मार्ग को बेनीपुर चौक के समीप जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खाद रहते हुए दुकानदार खाद देने से मना कर रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा है और जो आ रहा है उसको फर्जी माने बीपीएल वाले लोगों को सही छाप करा के दुकानदार लोग जो है राता राती सेल करते रहा है। 1600, 1700, 1800, 2000, 2200 स्थानीय किसान यहाँ के बोल रहे हैं। अब ही बताइए आप आए हैं। कटिहार में प्राणपुर के रोशना ओपी प्रांगण में सीओ कुमार नालिनी कांत के नेतृत्व में जब्त विदेशी शराब को गड्ढा खोदकर विनिष्ट किया गया। मामले की जानकारी देते हुए सीओ ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्गत आदेश के आलोक में जब्त विदेशी शराब को विनिष्ट किया गया है। वहीं शराब विनिष्टीकरण के दौरान रोशना ओपी प्रभारी प्रेम कुमार भारती ने कहा कि शराब कारोबारी और शराबी को लेकर रोशना ओपी पुलिस काफी सख्त है। क्षेत्र में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। शराब के धंधे को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र के महादलित गांव डेहरा में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नुमानी ने भाग लिया। इस दौरान डीएसपी ने महादलित परिवारों से अपील करते हुए कहा कि नशा किसी भी सूरत में अच्छी चीज नहीं है। आज भी कुछ लोग शराब के धंधे में लिप्त होने का काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। शराब पीने से न केवल शरीर का नुकसान होता है बल्कि संपत्ति भी बर्बाद हो जाता है। एक तरफ से आप देखिए तो परिवार बिगड़ता है। अगर आप नशे में, कल ही एक आदमी मुझे मिला, ध्यान से सुनिएगा बाबू, बाबू सारे थाना का मैं बता रहा हूँ, सारे थाना में कल चुनाव था, वहाँ एक दो आदमी को कोई शराब पीते हुए हमारे पदाधिकारी उसको पकड़े लाए, उनको आराम से हम थाना में बैठाए। और जैसे ये शर्ट पैंट पहने में उस 3 आदमी में एक आदमी थे, एकदम देखे साफ सुथरा बैठाए उनको और एकदम आराम से उनकी बात सुनने का हम कोशिश किए, सुनने में कोशिश किए कि भाई ये दारू आखिर पिए क्यों और क्या मतलब इनका मन में है, परिवार में क्या है, सारी बात उनका अंदर गए।
जानने का हम कोशिश किए, क्या देखें ये दारू पिया तो क्यों पिया। तो उनकी बात हम आप लोगों को कल ही का बता रहे हैं आपको। वो बताए हमको अपना पुराना इतिहास कि सर अभी तो हम कुछ नहीं पी रहे हैं, हम तो सुबह में उठते थे और दारुए से कुल्ली करते थे, दारू ही से हम कुल्ली करते थे सर। और ये देख रहे हैं जो सर ये सरकार का जो शराबबंदी आया, मेरा किस्मत चमका दिया, मेरे परिवार का किस्मत चमका दिया, मेरे घर का किस्मत चमका दिया, मेरे चार बेटी है सब पढ़ रहा है, हम भैंस रखे हैं, भैंसिया रखे हैं, पहले भैंस 12 केजी दूध देता था, अभी बकैन हो गया है 1.5 केजी दूध देता है, उसी में सभी बच्चे लोग पीपी का सभी लोग हम लोग खुश हैं और मेरा परिवार बदल गया सर। नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर लाख दावे कर ले, जितनी भी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन शराब के नशे में मदहोश व्यक्ति ने शराबबंदी की पोल खोल दी। व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया है कि वह पटना से शराब पीकर ट्रेन से मसौढ़ी आया है। व्यक्ति नालंदा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। संगत पर क्या करने का था संगत पर? परिवार था। है? परिवार है। कहाँ परिवार है? यहाँ कहाँ संगत पर? हाँ। घर कहाँ हुआ? कुरामा। कुरामा कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला। तो क्या मतलब कुछ पी के आए है? ड्रिंक कर लिए है। क्या ड्रिंक किए हैं आप? ड्रिंक कर लिए ऐसी बात? बहुत ड्रिंक कर लिए है। कहाँ मिला दारू आपको? बताना बेकार है मेरा। दारू कहाँ से ले पी लिए आप? पटना से ले। पटना से पी के आए हैं? पटना से पी के आए हैं। तो दारू कहे संगत पर? संगत पर कौन रहता है आपका? संगत पर कौन है? कोई नहीं रहता है। तो क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? भूषण बाबू। हैं? भूषण बाबू। घर कहाँ हुआ? कोरामा। कौन जिला पड़ता है वो जिला? क्या हुआ? नालंदा जिला। तो पटना से पी के आ रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, पटना से दारू पी के आ रहे हैं। तो पटना से कैसे आ गए यहाँ? किस चीज से आए पटना से यहाँ? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए हैं? अच्छा अच्छा, ट्रेन से पटना से मसौढ़ी आ गए आप। अच्छा, तो दारू आपने पटना में पी लिया? अच्छा अच्छा, कितना पिया आपने? कितना बोतल? अरे बोतल बोतल ना तो? उसे हम गोले का साथ ही साथ पिला दिया हमको। अच्छा अच्छा, पिला दिया। क्या नमा क्या बताया अपना? हमारा विकास बाबू। नाम क्या बताए? विकास। विकास नाम है आपका? अच्छा अच्छा। बेगूसराय में खाद और बीज सरकारी दर पर किसानों को उपलब्ध कराने समेत कई मांगों को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर धरना दिया। पूरे बेगूसराय में रवि फसल की बुआई के लिए खाद बीज की किल्लत है, किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद और बीज नहीं मिल रहा और जहां मिल रहा है वहां सरकारी दर से काफी ज्यादा दर है। राजद प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर धरना दिया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिहार में खाद और बीज की कालाबाजारी को लेकर के, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, और जो खाद बीज सस्ते दामों में किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इन सब मांगों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा उन्हीं के आह्वान पर आज हम लोग जो है दिनांक 13/12/2021 को एक दिवसीय किसान आंदोलन के रूप में धरना पर बैठे हैं और हम नरेंद्र मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से यह अनुरोध करते हैं और साथ में आगाह भी करते हैं कि किसानों को जो उचित दाम है उस पर इनको खाद बीज का की जो है सुविधा प्रदान करें, मुहैया कराएं हर जिले में, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग हमारा राष्ट्रीय जनता दल या प्रदेश से लेकर के सांसद तक इसका जो है उग्र आंदोलन करेंगे कि उर्वरक का जो है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त जितना चाहिए किसान को वो मिल उपलब्ध नहीं है और सरकारी दर पे कहीं मिल नहीं रहा है, पैक्स सारे तीतर बीतर हो रखे हैं, पैक्स अध्यक्षों का कहीं पता नहीं है, और दूसरी बात जो मिल भी रहा है तो ब्लैक मार्केटिंग के तहत मिल रहा है, जो
जो चीज़ मतलब 1000 रुपये की है वो 1500 रुपये दे रहा है। अगला किसान बिल मांगता है तो बोलता है हमारे पास में सामान नहीं है। एक तो खाद बीज दुकान में जाइएगा तो मिलती नहीं है, उसके बाद 300 रुपया 400 रुपया ज़्यादा लेके पैकेट दिया जा रहा है। कहीं बिहार में पैक्स में खाद उपलब्ध नहीं है और किसान त्राही माम है, पैसा लेके दौड़ रहा है इधर उधर, खेत जो है मर रहा है खाद के बिना, बिना खाद का बाग कर रहा है। सरकार का जो है ये पूरा संरचना जो है ध्वस्त हो गया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, किसान परेशान है। आज हाल में आप देखे मोदी जी कैसे माफ़ी मांगे किसान से, नीतीश कुमार को तो लगता है दारू के पीछे हैं, किसान का कोई जो है फिक्र ही नहीं। हम लोग इसीलिए पूरे बिहार में आज जो है पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि आग्रह करते हैं और हम लोग आंदोलन दूर तक करेंगे। वही बेगूसराय में कुपोषण के विरुद्ध व्यापक अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के 18 प्रखंडों को 3 चरण में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। वही 5 प्रखंडों के CDPO महिला सुपरवाइजर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। विकास भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में DM अरविंद कुमार वर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। जैसा कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन उसमें भी कोई सेलिब्रेट करने जैसा पॉइंट नहीं है। हम लोगों का इम्प्रूवमेंट और हमारे डेवलपमेंट पार्टनर कुपोषण के अगेंस्ट में हमारी जो ICDS की टीम है उनको और प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अभी ये 2-3 दिन तक ये प्रशिक्षण चलेगा और आज 5 ब्लॉक के CDPO जो लेडी सुपरवाइजर और अन्य जो पदाधिकारी हैं ICDS की टीम है उन सबको आज ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी तरीके से 18 ब्लॉक के पूरी टीम को ट्रेनिंग दी जाएगी पीरामल फाउंडेशन और यूनिसेफ के कंसल्टेंट्स के सहयोग से और ये 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक बैच का चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम लोगों के जिला में जो हमारे बच्चे हैं वो कुपोषित रहते हैं उनको किस तरीके से उनके स्वास्थ्य में सुधार और किया जा सके, कुपोषण को किस तरीके से ख़त्म किया जा सके इस पर परिचर्चा होगी। और क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो रिसोर्सेज घर में परिवार में उपलब्ध रहते हैं अगर उनको भी सही तरीके से बच्चों को खिलाया जा सके और सही तरीके से बना के उसको खिलाया जा सके उससे ही काफ़ी कुपोषण की बीमारी जो है दूर होती है और बहुत जो उसके अधिक 5-10% बहुत सीवियर लेवल हो गए उन्हीं को केवल मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, पैकेज हैं, तकनीक हैं जिसको सीख के अगर हर एक परिवार का व्यक्ति समझ ले तो सामुदायिक स्तर पर ही कुपोषण की बीमारी का इलाज किया जा सकता है, हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किस तरीके से हमारी ICDS की टीम हमारे सभी समुदाय के समाज के परिवारों को बताएगी किस तरह क्या क्या जानकारी देनी है उसी सब के बारे में आज ये ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रशिक्षण के बाद अगर हमारे सभी ब्लॉक्स की पूरी टीम प्रशिक्षित हो जाएगी तो उसके पश्चात इसमें जो कुपोषण के खिलाफ अभियान है, लड़ाई है और हम लोग इसमें सफल होंगे, हमारे जिले के बच्चे और स्वस्थ रहेंगे। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।